दोस्तों नमस्कार, मैं अमरेंद्र कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मेरी पाठशाला। इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद जिला स्तरीय कार्यालय पटना द्वारा एक पत्र जारी कर शिक्षकों को इसमें सूचित किया गया है। क्या है सूचना, इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह पत्र 28 नवंबर 2020 को जारी किया गया है। विषय है जिले के सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों का दीक्षा ऐप या पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन मोड में निष्ठा प्रशिक्षण एवं प्रतिवेदन के संबंध में। दोस्तों, इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए। उपयुक्त विषयक निदेशक राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद महेंद्र पटना के पत्रांक 918 दिनांक 14/10/2020 एवं अधो हस्ताक्षरी कार्यालय के ज्ञापांक 2874 दिनांक 14 अक्टूबर 2020 तथा पत्रांक 30/34 दिनांक 30/10/2020 के आलोक में पटना जिला में निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण दिनांक 16 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ हुआ था। वर्तमान में निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 7, 8 एवं 9 दिनांक 30 नवंबर 2020 को समाप्त हो रहा है तथा निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 10, 11 एवं 12 दिनांक 1 दिसंबर 2020 से प्रारंभ होना है। संबंधित पत्र पूर्व में ही उपलब्ध करा दिया गया है। अतः अपने प्रखंड के सभी रजिस्टर्ड शिक्षकों को दिनांक 1 दिसंबर 2020 से दिनांक 15 दिसंबर 2020 तक प्रशिक्षण में उनकी प्रतिभागिता सुनिश्चित कराई जाए। साथ ही अभी तक जिस प्रखंड के शिक्षक के द्वारा दीक्षा ऐप या पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है, उन्हें दीक्षा पोर्टल पर या ऐप पर रजिस्ट्रेशन करने हेतु निर्देशित किया जाए। विदित हो कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में जो शिक्षक प्रशिक्षण नहीं लिए हैं, वैसे सभी शिक्षक को दीक्षा ऐप या पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन मोड में निष्ठा प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। निदेशक राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद महेंद्र पटना के पत्रांक 11/06 दिनांक 25 नवंबर 2020 के आदेशानुसार वैसे लक्षित शिक्षक, टारगेटेड शिक्षक जिन्होंने प्रथम एवं द्वितीय चरण यानी कि 16 अक्टूबर 2020 से 15 नवंबर 2020 तक ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु दीक्षा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ भी नहीं किए हैं, वैसे सभी शिक्षकों का माह नवंबर से वेतन स्थगित किया जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी खबर है। उपरोक्त के आलोक में निर्देश है कि जिला कार्यालय द्वारा ईमेल या व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराए गए CSP फाइल को सत्यापित कर सॉफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी में जिला के ईमेल आईडी DLOP@gmail.com पर 2 दिनों के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि निदेशक राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद महेंद्र पटना को प्रतिवेदन ससमय समर्पित किया जा सके। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक दीक्षा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जल्द से कर लें, वरना आप पर कार्रवाई होगी और आपका वेतन भी स्थगित कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। हम लाते रहेंगे आपके लिए इसी प्रकार के नए नए और महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए मिल दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।